नवरात्र के अंतिम दिन शहर के विभिन्न स्थानों पर बने दुर्गा पंडालों व मंदिरों से जो जवारा के विसर्जन का सिलसिला प्रारंभ हो गया है। भक्तों ने जस गीत सहित भजन कीर्तन करते हुए जो जवारा का विसर्जन किया। जो जवारा लेकर सड़क पर चलती युवतियां और उनके आगे माता की भक्ति में झूमते भक्त, ये नजारा सेंट्रल एवेन्यू सड़क 33A सेक्टर 10 के दुर्गा पंडाल के निकले जो जवारे विसर्जन का है। पंडाल में माता की विधि विधान से पूजा अर्चना करने के बाद निकली जो जवारा विसर्जन यात्रा शहर के प्रमुख मार्गों से होती हुई गुजरी, साथ ही तालाब पहुंची जहां जो जवारा और कलश का विसर्जन किया गया। शारदीय नवरात्र पर सभी स्थानों की तर्ज पर सेक्टर 10 सेंट्रल एवेन्यू में भी हर हर गंगे दुर्गोत्सव समिति व जन सेवा समर्पण समिति द्वारा माँ दुर्गा की विशाल प्रतिमा स्थापित की गई थी। प्रतिदिन शाम संध्या आरती के पश्चात श्रद्धालु पूजा अर्चना व माँ के दर्शन हेतु पहुँच रहे थे। वही नवरात्र के 10वें दिन जो जवारे की विसर्जन प्रक्रिया प्रारंभ की गई। तो हम यहाँ बता दें कि 220 जवारा यहाँ पर स्थापित किया गया था, जिसका विसर्जन करने महिलाओं की कतार लगी रही। सेंट्रल एवेन्यू मार्ग पर सर पर जवारा रखे खड़ी महिलाओं में गजब का उत्साह देखने को मिला। गाजे बाजे और साथ ही विभिन्न वेशभूषा में नाचते गाते हुए लोग जवारा विसर्जन में शामिल रहे। महिलाओं में भी गजब का उत्साह यहां पर बना रहा। आइए देखते हैं कार्यक्रम की खास झलकियां। सेक्टर 10 में जवारा विसर्जन हो रहा है, आप सभी दर्शन करने आइए। जय माता दी। जवारा विसर्जन सेक्टर 10 में हम लोग आए हुए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ 200 महिलाएं लाइन से पूरा पीली साड़ी में एक साथ, बहुत अच्छा लग रहा है। आप भी आइए, हर साल यहाँ होता है। जय माता दी। जय माता दी। आज 10वें के महापर्व पर आज 220 जवारा हर साल की तरह इस साल भी निकाला जा रहा है। 220 महिलाएं जवारा लेकर यहां से सेक्टर 10 से निकलकर रुआ बांधा तालाब में विसर्जन होगा जवारा। आप सभी को माता रानी की कृपा आशीर्वाद बना रहे और इस जवारा कार्यक्रम को देखने आप सभी छत्तीसगढ़ निवासी, भिलाई निवासी आप सब उपस्थित होवें और आप इस जवारा और माता रानी का आशीर्वाद ले लें। बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक आज दशहरा पर्व है, उस पर क्या कहें? एक्चुअल क्या है कि दशहरा का अर्थ ये होता है कि बुराई को समाप्त करना, लेकिन देखा जाता है कि ये रावण तो वहाँ महाप्रतापी था, रावण जलना नहीं चाहिए मेरे अनुसार। और मेरे यदि मैं सिद्धांत की बात करता हूँ तो इतने बड़े प्रतापी को जलाना बहुत बुरी एक प्रथा है, इस प्रथा को बंद होनी चाहिए। बस्तर में जैसे पूजा की जाती है, रावण महापंडित था और बुराइयों को, अपनी एक बुराई को हमेशा एक वो है महापर्व पर वो कर देना चाहिए, ख़त्म करने की कोशिश करनी चाहिए। यही बुराई पर अच्छाई की जीत है। इस पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएँ आप सभी को बधाई। सबसे पहले आप सभी को विजयादशमी की हार्दिक बधाई शुभकामनाएं। हम खड़े हैं सेक्टर 10 दुर्गा पंडाल में, हर हर गंगे दुर्गोत्सव समिति एवं जन सेवा समर्पण समिति के पंडाल में खड़े हैं। यहाँ पर माता रानी की जो विशाल प्रतिमा स्थापित की गई थी और उसके अलावा यहाँ पर 220 जवारों का यहाँ पर स्थापना की गई थी। आप देख सकते हैं इन 9 दिनों में जवारों में पूरी मंगाई है और आज विधिवत महिलाएँ इसको विसर्जन करने भी जा रही हैं। और आज विजयादशमी का पर्व है, दर्शकों अपने अंदर की अच्छाई को जागृत करते हुए अपनी बुराई को खत्म करें। और इन सभी शुभकामनाओं के साथ नमस्कार। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए शाहिन खान की रिपोर्ट।